बॉलीवुड वेटरन एक्टर शमी कपूर और उनके बेटे के बारे में आज अपनी इस रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं। शमी कपूर 50s और 60s के दशक के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक रहे हैं और डायरेक्टर भी। तमिल फिल्मों से डेब्यू करने वाले शमी ने इंडस्ट्री में करीब 3 दशक तक काम किया। शमी ने कई फिल्मों में लीड रोल का किरदार भी अदा किया, जैसे कि तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, जंगली, कॉलेज गर्ल, प्रोफेसर, चाइना टाउन, कश्मीर की गली जैसी फिल्में शामिल हैं। शमी कपूर ने तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान भरपूर दिया, लेकिन उनके बेटे की अगर बात की जाए, जिनका नाम है आदित्य राज कपूर, वो लोगों से परिचित रहना कभी पसंद करते ही नहीं। जी हाँ, हमेशा ही वो लाइमलाइट से दूर रहे हैं, उनके बारे में खास बात कोई भी नहीं जानता है। कपूर खानदान में हीरो और हीरोइन बनने की परंपरा दशकों से चलती आ रही है। ऐसे में शमी कपूर के बेटे आदित्य ने आखिर फिल्म इंडस्ट्री का रुख क्यों नहीं किया, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। आदित्य शमी और गीता बारी के बेटे हैं। आदित्य ने अपने बचपन में ही एक फिल्म की थी और वो फिल्म थी जब से तुम्हें देखा है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने काम किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आदित्य ने फिल्मों में हाथ आजमाने की पूरी कोशिश भी की। ईयर 1973 में फिल्म बॉबी में राज कपूर के असिस्टेंट भी वो बने और इसके बाद उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम, गिरफ्तार, साजन, दिल तेरा आशिक और आरजू जैसी फिल्मों में भी काम किया असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर। आदित्य का फिल्म इंडस्ट्री में ना ही मन लगा और ना ही अच्छी वो सफलता हासिल कर पाए। आदित्य ने लिखना भी शुरू कर दिया, साथ ही डोंट स्टॉप ड्रीमिंग और सांबर सालसा जैसी फिल्मों का निर्देशन उन्होंने किया। आदित्य हमेशा लाइमलाइट से फिर भी दूर रहे, इसलिए कभी उनके बारे में कोई खास बात सामने आई नहीं। आदित्य ने अपने कई इंटरव्यूज में काफी बातें भी खुद को लेकर कही हैं। आदित्य ने अपने एक्टिंग डेब्यू की शुरुआत 54 इयर्स की एज में की, ईयर 2010 में, और फिल्म का नाम था चेस। इसके बाद वो पेरेंट्स दीवानगी ने हद कर दी ऐसी लाइफ में और साथ ही कई और फिल्मों को भी करते हुए देखे गए, लेकिन उन्होंने छोटे मोटे ही किरदारों को अदा किया। फिल्मों में काम करने के अलावा वो वेयरहाउस का बिजनेस भी संभालते हैं, लेकिन बिजनेस में यहाँ आगे बढ़ने वाले आदित्य ने खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी ने मुंबई का अम्यूजमेंट पार्क और दिल्ली का अप्पू घर भी बनाया है। साल 2014 में TOI को एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, जहां वो कहते हुए नजर आए, मैंने 16 साल की उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 3 साल काम करने के बाद मुझे मेरी गुरुजी भी मिले, फिर सब कुछ ही बदल गया। उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैंने दूसरों के लिए काम करना शुरू किया। जब मैंने थोड़े पैसे जमा लिए तो अपना बिजनेस मैंने शुरू कर दिया और अपने पिता से कभी मैंने मदद इन सब चीज़ों को लेकर की नहीं। और लगातार देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में भले ही ये बिल्कुल भी चल नहीं पाए, लेकिन हाँ, बिजनेस इन्होंने जो भी किया उसमें सफलता ज़रूर हासिल की। इन्हें देखा गया था आखिरी बार साल 2011 में, जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। शशि कपूर ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तब सारी क्रियाओं को पूरा करते हुए उनके ये बेटे जरूर दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद इन्हें लाइमलाइट में आता हुआ देखा नहीं गया है। इनकी तस्वीरों को आप हमारी इस रिपोर्ट में देख भी पा रहे होंगे। आपको क्या लगता है, ये एक्टर बनते तो क्या सफल हो पाते, या फिर इन्होंने सही डिसीजन लिया फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो जाने का, ये कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और आपको शमी कपूर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, ये हमें कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलेगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।